नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिप्स म्यूजिक एकेडमी चैनल में। अगर आप लोग बांसुरी सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से, तो आप मेरे लेसन्स फॉलो कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूं कि बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं बता सकूं। तो जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, जिस प्लेलिस्ट में मैंने सारे लेसन्स स्टेप बाय स्टेप यानी क्रमानुसार 1 2 3 4 ऐसे करके लगाए हुए हैं। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो है लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 5 उसी सीरीज में, फ्लूट की सीरीज में, ठीक है। और अगर आप लोगों ने वो 4 लेसन नहीं देखे हैं अभी तक और उनकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो इस लेसन पर आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि मैं स्टेप बाय स्टेप लेसन बना रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पहले आपको होमवर्क दिया था, मैं हर वीडियो के एंड में आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं, तो इसलिए आप वीडियो को छोड़ा नहीं कीजिए, पूरी देखिए, ताकि जो मैं लास्ट में होमवर्क दूं वो आप अगले हफ्ते तक या फिर अगले वीडियो तक, जब भी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक आप उसे पूरा करें। तो इससे पहले के लेसन्स में हमने सीखा था कि हम फूंक कैसे निकालें, बांसुरी की स्केल कैसे पता करते हैं हम, ठीक है, सरगम कैसे बजाएं, अपने होंठ की पोजिशन कैसे रखें। तो ये हमने 4 लेसन्स में कुछ बातें सीखी थी। एक और बात सीखी थी कि हम एक ही होल पर 2 साउंड कैसे निकालें, ठीक है, जो लेसन नंबर 3 में मैंने बताया था। तो ये सब बातें आपको आनी चाहिए। फिर हम आते हैं लेसन नंबर 5 पर। तो इसमें एक बार मैं आपको सुना देता हूँ कि क्या आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ये जो फ्लूट है वो है सी स्केल की, पूनम फ्लूट से आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। जो लिंक है खरीदने की वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, मैंने डाली हुई है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 होल्स को कवर किया तो सी नोट का साउंड निकलेगा, ठीक है। शुरू करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। पहले तो मैं सिंपल सरगम आपको बजा के दिखाता हूँ। ये हुआ आरोह, अब आते हैं हम अवरोह। ठीक है दोस्तों, ये हमने सिर्फ सी स्केल में सरगम बजा के दिखाया आपको। तो अब हम इसमें सुंदरता कैसे लाएं, ठीक है, जिसको हम वर्ड बोलते हैं गमक। गमक मतलब कि वाइब्रेशंस। जैसे आपने सी सा निकाला बांसुरी का, जो भी स्केल की फ्लूट आपके पास, तो इसमें हम इसको और अच्छा कैसे बनाएं, तो ध्यान से सुनिए। तो यहां पर हमने क्या किया, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हमने क्या किया कि जब हम एक नोट बजा रहे हैं तो उसके जो पहले वाली नोट है उसको हम हल्का सा टच कर वापस जो नोट हमने प्ले की उस पर हम आए। तो इससे जो गाने की सुंदरता है, जो आप बजा रहे हैं, अलंकार हो, राग हो, कुछ भी हो, तो उसकी जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप स्टार्टिंग में ही कीजिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप आगे चल के करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी करने में, क्योंकि एक बार आपका हाथ सेट हो गया तो फिर आपका ये प्रॉब्लम आएगी करने में कि आप इसमें मधुरता कैसे लाएं। तो ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है, इसमें क्या करना है आपको कि जैसे देखिए कि जब आपने सा बजाया तो जो लो ऑक्टेव का नी है उसको हल्का सा टच कर ऐसे करना है, ठीक है, जैसे सिर्फ छूकर आपको वापस आना है और पूरा कवर करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये नी शुद्ध है तो ये सा होगा, अगर ये नी शुद्ध है तो ये सा होगा, ठीक है, यानी कि नी शुद्ध और सा के बीच में कोई भी नोट नहीं आती है, तो इसलिए हमको पूरा कवर करना है, ठीक है। फिर से देखिए, अब मैं इसको स्लो मोशन में दिखाता हूं। अब फास्ट, ठीक है दोस्तों, आ। तो इसी तरीके से हम अलाप भी लेते हैं,
जैसे जैसे ये आपका मान लीजिए कि आप बेसिक लेसन है, ठीक है, तो अगर आपने ये कर लिया तो आगे चल के, अभी नहीं कह रहा मैं, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, टाइम देने के बाद आगे चल के आपको वो भी आ जाएगा। फिर जब आपने सा के बाद रे पर आए, ठीक है, तो रे पर आपको क्या करना है कि जैसे हमने रे खोला, हम जानते हैं कि एक होल को खोलेंगे तो वो रे साउंड करेगा उस फ्लूट का, तो फिर आपको ये जो सा है यानी कि थर्ड होल है उसका आधा, अप्रोक्स आधा टच करके वापस आना है। यहां पर हमने क्या किया, पूरा कवर कर रहे थे, पूरा कवर करके हम वापस आए, यहां पर आपको अप्रोक्स कवर करके ऐसे, ठीक है, फिर से सुनते हैं। अभी देखिए यहां पर सा पर करता हूं, अब रे पर, एक बार स्लो मोशन में दिखाता हूं आपको ताकि आपको समझ में आए। अब फास्ट में, ठीक है, ऐसे ही ग पर आइए, फिर से जो हमने रे पर किया था वही आपको ग पर करना है, यानी कि ग को खोलकर फिर हल्का सा ऐसे फास्ट मोशन में आपको करना है, ठीक है। फिर ऐसे ही म पर आइए, म पर हम जानते हैं कि जो तीसरा होल है उसको हम ऑलमोस्ट 20-30% खोलते हैं, ठीक है, म साउंड निकालने के लिए, तो म ये हुआ, फिर आपको ये करना है, ठीक है, एक बार सुनिए। ठीक है, म म, ठीक है, फिर आप प को स्टेबल रख सकते हैं, फिर वापस ध पर, फिर से जो ध के नेक्स्ट होल है यानी कि सारे उसको कवर करके उसको आपको हल्का सा खुला रखना है और फिर वही हरकत लेनी है, ठीक है, जो पहले आपको बताई थी। स्लो मोशन में देखते हैं, फिर फास्ट मोशन में, अब फास्ट, अब ऐसे ही नी के लिए, ये सा के लिए वापस जो हमने पहले किया था, यानी कि जो हमने मीडियम ऑक्टेव में किया था वही आपको हाई ऑक्टेव में सा के लिए करना है, जैसे सा आपने प्ले किया और हाई ऑक्टेव में आवाज आ रही है, फिर आपको नी शुद्ध को हल्का सा टच करके वापस सा पर आना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का कुछ आवाज आएगी और मैं मानता हूं कि पहली बार में ही आपसे परफेक्ट नहीं होगा और परफेक्ट लाने की मैं कह भी नहीं रहा, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, पूरा ट्राई कीजिए जब तक आपको नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। और आप मुझसे WhatsApp पर भी जुड़ सकते हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता हूं जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपकी मदद करूंगा। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं WhatsApp पर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप नंबर से मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं दिन में बिजी रहता हूं तो शायद आपका कॉल नहीं उठा पाऊं, ठीक है। तो पहले आप मुझे मैसेज करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या सीखना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगले लेसन आने तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से सुन लेते हैं क्या है। जब आप पूरा बजाएंगे तो इस तरह से कुछ सुनाई देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ भी अगर मदद मिल रही है मेरी वीडियो से तो आप वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि वही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और लेसन बनाऊं आगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लेसन कैसा लगा और आप क्या एक्स्ट्रा चाहते हैं इस वीडियो में ताकि मैं आपको उस तरह की वीडियो बना के दूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं हम अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।